आप जानते हैं ऐसे दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है तो हर जंक्शन पे लगभग पुलिस फर्ज बजाती है, जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट जंक्शन है वहाँ तो फर्ज बजाती ही है। तो हमने सोचा कि उनको गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, द डे बाय डे इट इज़ गेटिंग स्कॉचिंग हॉट। पहले करीब 100 ट्रैफिक पुलिस पे ये प्रयोग किया गया था, एंड देन वी इंक्रीज द नंबर टू 460, ऑलमोस्ट 460 ट्रैफिक पुलिस एंड सम ऑफ द TRVs आर ऑल्सो नाउ वेयरिंग AC हेलमेट्स। तो जितने हो सके उतने हेलमेट्स हम उनको वितरण कर रहे हैं और उनको गर्मी से डिहाइड्रेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 से आगे तापमान निकल चुका है तो हर जगह कूलर या AC तो रख ही नहीं सकते हैं, तो सोचा गया कि अगर उनको AC हेलमेट पहनाया जाए तो वो गर्मी से लड़ सकते हैं, उसी से लेकर उन्हें AC हेलमेट दिए गए हैं। आपको जैसे पता है कि अगर किसी को बुखार आता है तो उसको स्पंजिंग करते हैं हेड पे, उसको ठंडा पानी रखते हैं तो पूरा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। उसी कंसेप्ट पे ये AC हेलमेट काम करता है, दैट इफ़ द हेड गेट्स कूलर सर्कुलेशन की वजह से पूरा ठंडी पूरे शरीर में फैल जाती है और धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, और बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड जो टेम्परेचर है उससे कम रहता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी तो हर एक पुलिस और TRB से पूछा जा रहा है और ज़्यादातर TRB और पुलिस यही बता रही है कि उनको अच्छा लग रहा है, गर्मी से उनको राहत मिल रही है और डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम उनको नहीं हो रहे हैं।